दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक छोटा सा शहर राजगीर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। ये शहर बौद्ध धर्म से जुड़े स्मारकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसी राजगीर में है सोन भंडार गुफा, जिसके बारे में ये किंवदंती है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा है जिसको आज तक कोई नहीं खोज पाया है। ये खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। हालांकि इस बात के ज्यादा प्रमाण है कि ये खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा के पास उस जेल के अवशेष हैं जहां पर बिंबिसार को उनके बेटे अजाता शत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक कमरा आता है। ये कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता जाता है। इस रास्ते का प्रवेश द्वार पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान नुमा दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो कि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। कहा जाता है कि इसमें ही इस दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का ये रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तापर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ पहुंचती है। अंग्रेजों ने एक बार तोप से इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे तोड़ने में असफल रहे। तोप के गोले का निशान आज भी चट्टान पर मौजूद है। इस सोन भंडार गुफा के पास ऐसी ही एक और गुफा है जो काफी हद तक टूट चुकी है। इसका सामने का हिस्सा गिर चुका है। इस गुफा की दक्षिणी दीवार पर 6 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। दोनों ही गुफाएं तीसरी और चौथी शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। दोनों ही गुफाओं के कमरे पॉलिश किए हुए हैं, जो कि इन्हें विशेष बनाती हैं, क्योंकि इस तरह पॉलिश की हुई गुफाएं भारत में बहुत ही कम है। इस बात के भी प्रमाण है कि ये गुफाएं कुछ समय के लिए वैष्णव संप्रदाय के अधीन भी रही थी, क्योंकि इन गुफाओं के बाहर एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी। विष्णु जी की ये प्रतिमा इन गुफाओं के बाहर स्थापित की जानी थी, पर मूर्ति की फिनिशिंग का काम पूरा होने से पहले ही उन लोगों को किसी कारण ये जगह छोड़कर जाना पड़ा और ये मूर्ति बिना स्थापना के ही रह गई। वर्तमान में ये मूर्ति नालंदा म्यूजियम में ही रखी गई है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।